अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन हांडी, बहुत ही मज़ेदार। आप खाएंगे तो मज़ा आएगा। खाएं, बनाएं और एंजॉय करें। सबसे पहले हमने ये चिकन ब्रेस्ट ले लिया है, हाफ के जी। इसके अंदर हम एक प्याली दही फेंटा हुआ शामिल करेंगे। और फिर उसके बाद हाफ टी स्पून कुटा हुआ या पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सूखा खुश्क धनिया पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे, और 1 लेमन शामिल करेंगे इसमें हम। कर लिया है, इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए शामिल करेंगे हम, मतलब 2 पिंच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा इसमें कलर आ रहा है। हल्दी कम है, थोड़ी सी और शामिल करेंगे। थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी शामिल करी है। आप ना बनाते वक्त देख लिया करें कि कलर किस तरह का आया है, तो आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं किसी भी मसाले को। ये अच्छे से मैरिनेट हो गया, मतलब आधे से एक घंटा आप इसको मैरिनेट कर दें। 1 टेबल स्पून आप इसमें भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, और फिर इसको अच्छे से मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन आधे से एक घंटा, वरना आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, मतलब 3-4 घंटे सुबह से शाम भी आप रख सकते हैं, ताकि ये थोड़ी आपकी ये चेस्ट पीस है तो थोड़ा टेंडर हो जाएगा। ये हम काली मिर्च को हल्के से रोस्ट करेंगे और फिर इसका पाउडर बनाएंगे। इसमें बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर और बहुत अच्छा सा अरोमा आता है, इसलिए हमने इसको हल्का सा रोस्ट किया। अच्छा, ये तो हो गई हमारी मैरिनेशन वाली चिकन, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले, मतलब 1 घंटा पहले मैरिनेट की थी। ये हम एक तरफ करते हैं। इसके अलावा जो हमें पकाने के लिए क्या चाहिए, ये हमने 3 प्याज ले लिए, छोटी, दरमियानी हो तो 2। ये हमारे पास क्रीम है, आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने पाउडर बना लिया है ब्लैक पेपर का, उसको हल्के से रोस्ट किया है, उससे उसके फ्लेवर और खुशबू दोनों के अंदर बहुत इन्हेंस होता है, मतलब। और ये हमारे पास 12 से 14 दाने बादाम के हैं, जो कि हमने छिलका उतार लिए हैं इनको भिगो कर। ये हमारे पास 3 दाने छोटी इलायची के हैं, 2 बड़ी इलायची के हैं, और 1 टुकड़ा दालचीनी का है। ये हमारे पास ऑयल है। अब इसकी क्वांटिटी क्रीम की और इसकी कितनी जाएगी, ये हम आपको पकाने के दौरान बताएंगे। अब हम पकाना शुरू करते हैं। आइए, हम इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच। अब हम इसमें ये कटी हुई प्याज शामिल करेंगे, साथ हम थोड़ी से बादाम भी शामिल कर लेंगे। अच्छा, अब हम इस प्याज को इतना फ्राई नहीं करेंगे कि ये ब्राउन हो जाए, बल्कि हमें सिर्फ इसको सौते करना है, इसमें कलर नहीं लाना है, वरना हमारी हांडी का कलर भी ब्राउन हो जाएगा। हम इसको कौरमा बनाते तो बेशक हम इसको थोड़ा सा पिंक शेड दे देते, मतलब गोल्डन ब्राउन करते, लेकिन अभी हमें इसे सिर्फ सौते करना है, क्योंकि कच्ची प्याज आप नहीं पीसिएगा, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ख़राब आएगा और मतलब कच्चापन सा आपको महसूस होगा, आपकी हांडी बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी, वो फ्लेवर नहीं आएगा। प्लीज़ आप हर चीज़ को ध्यान से सुना करें, देखा करें। 1 मिनट में हमारी प्याज कितने अच्छे से सौते हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, सॉफ्ट ही करनी है हमें, इस पर कलर नहीं लेना है, ठीक है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको हम इसमें थोड़ा शामिल करेंगे, 2 बड़ी इलायची और ये 3 छोटी इलायची, जो कि एक इलायची मैंने खोल ली है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, आप भी खोल के रखिएगा। इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। हम बादाम और प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया है, इसको हम अच्छे से पकाएंगे। ये देखें, बादाम और प्याज का पेस्ट जो था, ये हमने अच्छे से इसमें ऑयल के अंदर इसको पका लिया है, ये अच्छे से पक गया है बहुत। अब हम इसमें मैरिनेशन की हुई चिकन डालेंगे, इसकी बहुत टेंडर हो गई हैं बूटियाँ।
अब पेस्ट डालकर भी हम इसको अच्छे से पकाएंगे और मुस्तकिल हम चमचा चलाते रहेंगे, क्योंकि हम जो भी नट्स इस्तेमाल करते हैं अगर उसका पेस्ट बनाए तो वो नीचे से लगने का डर होता है, इसलिए हम इसको पकाएंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे। इसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये दही के पानी में पकेगा। अपना स्टार्ट हो गया, ये इसका फ्लेम हम हाई नहीं करेंगे वरना ये चिपकने लगेगा। ये इसी पानी के अंदर हमने ढक्कन लगाकर इसको पकने के लिए रख दिया। इसको हम बार बार संभालते रहेंगे ताकि ये नीचे से लगे ना। अब यूँ इसका ढक्कन लगाया है ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। ये देखिए कढ़ाई अच्छे से पक रही है और इसमें देखिए ऑयल आना शुरू हो रहा है, ऑयल आना शुरू हो गया। यकीन जाने आपके किचन में इतनी ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू मेरे किचन में आ रही है कि दिल चाहता है इसको इसी स्टेज पे खाना शुरू कर दें, लेकिन ये अभी हाफ डन है। कितने अच्छे से इसमें ऑयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको नहीं ढकेंगे, यूँ ही पकाते रहेंगे। और देखिए चिकन भी कितने अच्छे से टेंडर हो गई है, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए बस छुरी डालते ही ये सॉफ्ट हो गई है बहुत ज़्यादा। ये देखिए कितने अच्छे से ये चिकन ने सारा ऑयल छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी हांडी तैयार है। हम इसमें ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून या आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपकी मर्ज़ी, ये शामिल करेंगे। और इसमें क्रीम 3 खाने के चमचे हम इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से हिला देंगे, मिक्स कर देंगे और ये हमारी हांडी तैयार है। हमने मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था, तो हमने इसमें अभी रोस्टेड काली मिर्च शामिल की है। और फ्लेवर के लिए हम इसमें 2 बड़ी हरी मिर्च को साफ करके और फिर इसको शामिल करेंगे, चंद छोटी मिर्चें शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और मज़ा भी आएगा। इसके लिए हम इसको ढक देंगे ताकि इसमें मिर्च का फ्लेवर शामिल हो जाए। ये हरी छोटी मिर्च को अगर हम इसको एक हफ्ते तक बाहर किचन में किसी भी प्लेट या छन्नी में रख देंगे तो ये ऐसी हो जाएगी लाल, बड़ी खूबसूरत लगती है। इसको हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं, आप भी ज़रूर ऐसा कीजिए, बड़ी खूबसूरती में इजाफा होगा। ये हमारी तैयार है, हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे, बड़ी ब्यूटीफुल लगती है। थोड़ा सा हरा धनिया हम स्प्रिंकल करेंगे। इसको चिकन मलाई हांडी है, इसको हम मलाई से भी शो कर देंगे।